एसपी हसन साहब का टिकट काटा है, क्यों काटा है कि दिल्ली से फरमान हुआ था अखिलेश यादव जी मुरादाबाद की सीट हमें चाहिए, ये बड़ी डीलिंग करते हैं, ये केवल 5 सीट बचाते हैं अपने परिवार की, बाकी सबको दांव पे लगाते हैं, चाहे रामपुर हो चाहे मुरादाबाद हो चाहे औला हो, ये सबकी सौदा करते हैं। सांसद है कि डॉक्टर है, लोकसभा में विकास कर नहीं पा रहा है, जमींदारों की नस्ल नहीं करेगा, इस बार मोदी लहर नहीं है, इस बार औला लोकसभा में तूफान है दलित मुस्लिम का, बताओ आप बता के तूफान है कि नहीं, तूफान है तूफान, और ये तूफान जब तक शांत नहीं होगा जब तक तुम्हें टुको नहीं देगा। अगर तुम जमींदारों की हैसियत क्या जानो, तुम तो टायर पंचर वाले हो, तुम अपनी न तुम्हारी इज्जत थी न दूसरे की समझते हो, अगर तुम किसी अच्छे खानदान से होते तो किसी जमींदार या अच्छे परिवार पे उंगली नहीं उठाते। जिस तरह से साजिश का चुनाव लड़ रहे थे, उस तरह से बैरोटियों ने छड़ियों ने ठगियों ने मुस्लिम समाज को दो भागों में बांट दिया था, और रिजल्ट ये आया कि साजिद था 7-8 हजार से हार गया। अगर आपके बीच समाजवादी पार्टी के बैरोटियों और ठगिया आए वो तुम्हारी नजर में नेता होंगे, मेरी नजर में नेता नहीं सौदागर है, कि आज के टाइम में वो जो तुमको सांसद समझते हैं, गलत फहमी निकाल दो महोदय, न तुम सांसद हो न हम सांसद हैं, तुम भी प्रत्याशी हो हम भी प्रत्याशी हैं, तुम्हारी नसबंदी के लिए लाल फाटक वालों से कह रहे हैं, तुम्हारी नसबंदी के लिए ठाकुर मुजिब साहब को मुजिब प्रताप सिंह को लाए हैं, हम इनसे ही तुम्हारी नसबंदी करेंगे। सांसद है कि डॉक्टर है बताओ, सांसद है कि डॉक्टर है, लोकसभा में विकास कर नहीं पा रहा है, जमींदारों की नसबंदी करेगा, अगर तुम जमींदारों की हैसियत क्या जानो, तुम तो टायर पंचर वाले हो, तुम अपनी न तुम्हारी इज्जत थी न दूसरे की समझते हो, अगर तुम किसी अच्छे खानदान से होते तो किसी जमींदार या अच्छे परिवार पे उंगली नहीं उठाते। भाषा बताती है कि तुम कौन से परिवार से हो, ये मुंह का लौंग जब खुलता है तो ये बता देता है कि आप अंदर से क्या हो, तो 2019 में तुमने बता दिया था कि तुम क्या हो, लेकिन मोदी लहर का फायदा मिल गया, तुम चुनाव जीत गए, इस बार मोदी लहर नहीं है, इस बार औला लोकसभा में तूफान है दलित मुस्लिम का, बताओ आप बता के तूफान है कि नहीं, तूफान है तूफान, और ये तूफान जब तक शांत नहीं होगा जब तक तुम्हें टुको नहीं देगा। तुम करो तो गठबंधन, हम लड़े तो भी पार्टी, इसको भूलना नहीं, तुम चुनाव याद रखना, तुम रिश्ते बनाओ तो बुआ, हम बनाए तो वो बीजेपी की हो गई, तुम ऋषि वीरा जी को लड़ाओ तो वो नेता है, हम लड़े तो बीजेपी के एजेंट हो गए, अरे असल में बीजेपी के एजेंट तो तुम हो, तुम्हारे जो टिकट बट रहे हैं लोकसभा के राज्यसभा के वो आरएसएस और बीजेपी के दफ्तरों से बट रहे हैं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, बताओ रामपुर में प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने कहां कहा उठा, दिल्ली से नदवी को लाए हैं, नदवी को, नदवी का मतलब समझते हो, कोई सुन्नी वोट नहीं देगा, क्यों लाए हैं कि नागपुर से आरएसएस के दफ्तर से फरमान हुआ था कि रामपुर हमें चाहिए, मुरादाबाद में मौजूदा अपने सांसद डॉक्टर एसपी हसन साहब का टिकट काटा है, क्यों काटा है कि दिल्ली से फरमान हुआ था अखिलेश यादव जी मुरादाबाद की सीट हमें चाहिए, ये बड़ी डीलिंग करते हैं, ये केवल 5 सीट बचाते हैं अपने परिवार की, बाकी सबको दांव पे लगाते हैं, चाहे रामपुर हो चाहे मुरादाबाद हो चाहे औला हो, ये सबकी सौदा करते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि अगर बीजेपी को हराने का इतना ही शौक था, बीजेपी को हराने का इतना ही शौक है, तो आओ अखिलेश यादव जी करो पहल, गठबंधन करते हैं एक और 5.5 लाख मुस्लिम से गठबंधन करो, 3 लाख दलित समस्या मुक्त गठबंधन करो, हम प्रत्याशी हैं, अपना प्रत्याशी वापस ले लो, ये सीट हम तुम्हें जिता के तोहफे के रूप में, लेकिन ये नहीं करेंगे
क्योंकि इनकी लीडिंग है कि मनोना और लोकसभा हराना है, इसके बदले में कोई और सीट जिताना है। ये नहीं करेंगे मुस्लिम से गठबंधन, ये नहीं करेंगे दलित से गठबंधन। ये तो गब्बर सिंह वाली तंबाकू मारते हैं और लोकसभा की फांसी मार लेते हैं, लेकिन असल में ये गब्बर सिंह नहीं है, ये शामा है। शामा कितने आदमी थे, ये वही शामा है, गब्बर सिंह नहीं है। अगर ये गब्बर सिंह होते तो जिस तरह से हमने औला को विकसित किया है, जिस तरह से हमने औला को धक्की उन्नति दी है, जिस तरह से हमने औला में विकास किया है, इसी तरह से ये भी हमारे तरह संपूर्ण लोकसभा में विकास करके दिखाते। बदाम मनाना में कोई स्वागत द्वार बनवाया इन्होंने? बदाम मनाना में कोई चौराहा बनवाया? बदाम मनाना में कोई उद्योग कोई कारखाना लगवाया? तो फिर बताओ ये गब्बर है कि शामा? जोर से बताओ कौन है? शामा। शामा है, शामा आ जाए तो इनसे कहना 10 साल का हिसाब देना है। और मैं सुन रहा हूँ मेरे कुछ प्रधान साथी और कोटेदार मुझसे कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब हम अंदर से तुम्हारी मदद कर रहे हैं। धर्मेंद्र कश्यप जी कह रहे हैं कि अगर हम जीत गए तो तुम्हारी जांच करा देंगे। मैं कह देना चाहता हूँ कश्यप जी, भूल जाओ वो दिन जब तुम कमजोर और सीधे साधे प्रधानों को कोटेदारों को सजा देते। सैयद आबिद जी कहते हैं हमें, अगर तुमने हमारे एक भी नौजवान को छूने की कोशिश करी, एक भी प्रधान या कोटेदार को छूने की कोशिश करी, तो भी चौराहे को तुम्हें नंगा करके रखूंगा। औरा का मालिक मैं हूं, औरा की सीमा के अंदर घुसने को तरस जाओगे। तुम्हारी गाड़ी बिना हमारी मर्जी की औरा की सड़कों पे चल नहीं पाएगी कश्यप जी, इसलिए मैं कहता हूँ होश में रहना। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच मेरे जाने के बाद पैरू भी आएंगे, छड़िए आएंगे, ठगी आएंगे। जिस तरह से साजिद का चुनाव लड़ रहे थे उस तरह से पैरों ने, छड़ियों ने, ठगियों ने मुस्लिम समाज को दो भागों में बांट दिया था। और रिजल्ट ये आया कि साजिद खान 7-8 हजार वोट से हार गए। याद करो वो दौर, अगर उसी टाइम तुम सब इतनी बड़ी तैयार में इकट्ठे हो गए होते तो इस एरिया का विधायक कोई मुस्लिम होता और सांसद भी तुम्हारे बीच का होता। आज दौर फिर पलटा है, आज साजिद खान को ना सही सैयद आबिद अली को तुम्हारे भाई को टिकट दिया है। आज घटनाओं में करना मत, आज मुट्ठी की तरफ बन जाना। अगर ये मनोना की मुट्ठी बन गई तो इसकी आवाज पूरी विधानसभा के अंदर जाती है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर मनोना के लोगों ने एक तरफा फैसला ले लिया तो औरा विधानसभा भी एक तरफा फैसला लेने को मजबूर हो जाएगी। मनोना बड़ा गाँव है, मनोना औरा का दिल है, और दिल जब जिंदा होता है धड़कता है तो सांसें तभी चलती हैं, और जिनका खेल खत्म तो सारा खेल खत्म। बताओ दिल को धड़काओगे कि नहीं धड़काओगे? अगर आपके बीच समाजवादी पार्टी के बैरूपी और ठगियां हैं तो तुम्हारी नजर में नेता होंगे? मेरी नजर में नेता नहीं, सौदागर है। कोई अपने बेटे का टिकट पक्का कर रहा है, कोई खुद के लिए 2027 का टिकट कर रहा है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नीश, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।